देख रहे हैं जनमत आवाज, युवक कांग्रेस का हल्ला बोल। व्यापम में लिप्त मंत्री ओसीडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ब्राह्मणपुर में आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर युवक कांग्रेस के द्वारा हल्ला बोल का कार्यक्रम हुआ। व्यापम घोटाले की टू की आग पूरे प्रदेश में सुलगती जा रही है। इस कांड में लिप्त तो सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री के ओसीडी लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज पूरे प्रदेश में हल्ला बोल का आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में ब्राह्मणपुर के युवा कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा धरना देकर अनुभवी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया और राज्यपाल के नाम प्रेषित करते हुए व्यापम के टू अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर ज्ञापन देते हुए जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला ने कहा कि यह हल्ला बोल आंदोलन का आगाज है, अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम एवं प्रदेश भी बंद किया जा सकता है और विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, उप नेता अमर यादव दगड़ू चौक से अजय उदासीन एवं कई कांग्रेसी नेता उपस्थित हुए। आइए देखते हैं। प्रदेश में युवाओं का भविष्य खराब करके, भारी भ्रष्टाचार करके और भाजपाओं के चमचों को नौकरी में लगाने का काम व्यापम वन में हुआ था, उसी प्रकार से व्यापम टू का घिनौना कृत्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के सानिध्य में इनके मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनका ओएसडी ने आज जिस प्रकार से हमारे शिक्षक घोटाला किया और खुद की स्वयं की कॉलेज से पेपर आंसर शीट लीक हुई और अपने खुद के उनके जो ओएसडी है उसने अपने स्क्रीनशॉट लेकर जो लीक की, जो युवा जो होनहार युवा थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और जो डफर टाइप के भाजपाई भक्त थे उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति थी उसमें एक ही कॉलेज एक ही जगह पर एग्ज़ाम दिए हुए लड़के एक ही शहर के और उनकी गलतियां भी जो थी पूरे एंसर में वो भी एक ही प्रकार की गलतियां थी और उनके साथ पहले से ही उनके फ़ोटो थे, उनको नियुक्ति देकर उनको टॉप लाकर जो भ्रष्टाचार किया है, जो होनारों को कुठाराघात किया और उस प्रकार से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के युवा जो पुलिस की सेवा दे के जनता की सेवा करना चाह रहे थे वो 8,000 युवाओं पर भी जो उनके एग्ज़ाम निरस्त की, उनके साथ जो भेदभाव किया और जो नियुक्ति होने के बाद भी उनकी एग्ज़ाम नियुक्त की, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि व्यापम टू जो है ये मध्य प्रदेश के लिए और ज़्यादा भयावह होगा। भाजपाइयों को मध्य प्रदेश में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे जो कि मध्य प्रदेश का भविष्य खराब कर देंगे। तो हम यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से जब तक युवाओं को इस व्यापम टू से इनको निजात नहीं मिलती, व्यापम टू का जो घोटाला है इससे इनको न्याय नहीं मिलता, हम आंदोलन लगातार करते रहे। सरकार नौकरी तो देने से रही, जब चुनाव आते हैं तो ये पेपर निकालते हैं कि हम व्यापम के माध्यम से बच्चों को पेपर दिलाए, स्टूडेंटों को छात्रों को पेपर दिलाए, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया पूरी तरीके से। यानी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो अपने माँ बाप का सहारा बन रहे, चाहे हमारी सरकारी नौकरी लें, पढ़ लिख के हम सरकारी नौकरी में आ जाए, परंतु मध्य प्रदेश सरकार के भाजपा के नेता लोग अपने ही कॉलेज से अपने ही मोबाइल से फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं अपने लोगों को, तो इससे सीधे सीधे जो दूसरे पढ़े लिखे होनहार बच्चे हैं उनको इससे नुकसान होगा और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते भाजपा के जो करीबी है उन्हें ये नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और युवा कांग्रेस इस पर कड़ा आंदोलन करेगी। अगला हमारा कदम रहेगा पूरे प्रदेश स्तर पर चक्का जाम करने का रहेगा और पूरा मध्य प्रदेश बंद करवाएंगे जब तक के ये मंत्री लोग अपने पद से इस्तीफा ना दे दें।